सबसे वाहियात डिसीजन लगा दोस्तों एनएसी का मुझे, अभी जो डिसीजन लिया गया है और मंथ भी फाइनल हो चुका है, डेट भी फाइनल हो जाएगा, कौन से डेट के बाद ये जो ट्रेडिंग हावर्स हैं वो बढ़ने वाला है और इससे कितने रिटेलर का लाइफ स्पॉइल होने वाला है। 3 आर्टिकल आ चुका है दोस्तों और इससे कई ज्यादा आर्टिकल में फाइनल न्यूज कन्फर्म हो चुका है, लेकिन इससे जो लाइफ बर्बाद होने वाला है ना, आज कुछ अलग बात करेंगे। आज तो खुल के बात करेंगे इस वीडियो में। लिटरली एक तो जो लोग मार्केट में आते हैं और लॉस करते हैं दोस्तों, वो यही सोचते हैं कि यार हमने ये डिसीजन लिया ही क्यों, ये जाल में हम फंस कैसे हैं कि अब निकले कैसे, ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है बोल के। जिनको प्रॉफिट है वो भी दिक्कत में आने वाले हैं ये डिसीजन पे। तो सीधे बात करते हैं दोस्तों, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आज के दिन बात करेंगे। और आपको अगर ये डिसीजन गलत लगा तो डेफिनेटली दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि यार डिसीजन क्या सही है, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, वो भी मैं लिख के रखा हूं। और कितने पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और पूरी रियलिटी डिस्कस करेंगे। थोड़ा कड़वा होगा ये वीडियो क्योंकि कुछ ज्यादा ही दोस्तों, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा 5 के 5 दिन एक्सपायरी था, लेकिन एनएसई को तो क्या लेना देना मेरे भाई, लोग जितना लॉस करें उनको कुछ परवाह वैसे भी नहीं, क्योंकि उनका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। लोग जाए दोस्तों, उनका पैसा जाए पानी में, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। अब 5 के 5 दिन जो एक्सपायरी है, लोग ना जिनको नॉलेज नहीं है, बेचारे कोई फिनिफ्टी का कुछ होल्ड कर दिया, कोई सेंसेक्स का कुछ कर लिया, जो लॉस कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अब तो हद पार कर दिया। अब सीधी बात है दोस्तों, ये वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं एनएसई कौन से मंथ में ये लंच करने वाला है, ट्रेडिंग लाइक हावर जो है वो एक्सचेंज होने वाला है, रात के कितने बजे तक चलेगा, और यहां पे जो लोगों को इफेक्ट पड़ेगा ना दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, 4 पॉइंट रियल बात जो है। थोड़ा कड़वा होगा ये वीडियो, लेकिन चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जाके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं प्योर लेवल देता हूं लाइव मार्केट में हेल्प करने के लिए। जैसे कि 10:03 पे उस दिन दे दिया था फ्राइडे के दिन 19,600 के ऊपर कॉल बाय करने के लिए, और उसके बाद दोस्तों कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया था, सेकेंड बार भी पोस्ट डाला था, सेकेंड बार जब लेवल तोड़ा नहीं था 10:23 पे फिर से बोला था ऐसे ही सस्टेन होने पे बाय करने के लिए, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया दोस्तों 123 पॉइंट का मोमेंटम दिया सबके सामने है लाइव मार्केट में। उस दिन पैसा 6 गुना भी हमने किया था गुरुवार के दिन, और लोगों ने भर भर के कमाया दोस्तों। तो आप जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव मार्केट में रोज में लेवल देता हूं। अब चलिए सीधे हम बात करते हैं, ठीक है। आप अगर मेरे साथ एग्री करते ना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं सोचूंगा यार आप एग्री ही नहीं करते इस बात पे। आपको सच में अगर ये डिसीजन खराब लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सही लगा तो दोस्तों मत कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि 90% लोगों को ये इफेक्ट करेगा और 90% लोग इस डिसीजन से बिल्कुल खुश भी नहीं है। अब चलिए एक एक आर्टिकल हम पढ़ते हैं। पहले तो दोस्तों एनएसी का जो अजीब अजीब रूल आता रहता है, मुझे तो कोई सेंस नजर नहीं आता, और इतना बचकानी हरकत है इसको मैं कहना चाहूंगा, और एक नॉनसेंस कहीं ना कहीं रीजन है। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि एनएसी वाले ये बोल रहे हैं कि भाई बाकी वर्ल्ड मार्केट कहीं ना कि एनी टाइम ओपन रहता है, तो मेरे भाई इसको क्रिप्टो ही बना लो, इंडियन मार्केट आप बना ही क्यों रहे हो। और बाकी के वर्ल्ड मार्केट अगर हम देखेंगे तो वही नॉर्मल टाइम रहता है, 5-6 घंटे 7 घंटे, और आई थिंक जापान के मार्केट या फिर और कुछ मार्केट बीच में ब्रेक भी मिलता है, इंडियन मार्केट के जैसे ही है लेकिन बीच में ब्रेक तक मिलता है। सिर्फ एक्सजेक्स निफ्टी जो कि गिफ्ट निफ्टी है वही सिर्फ आई थिंक 10 घंटा ऐसे कुछ चलता है। तो उनका कहना है कि यार हम चलो मार्केट को ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रात के 5-6 घंटे 7 घंटे छोड़ के एनी टाइम हम ओपन रखें, जिसको जो करना है करो बोल के। तो एनएसी का दोस्तों पहला स्टेटमेंट आया है, हम ये आर्टिकल से अगर पढ़ें, इसका रियलिटी पे आऊंगा मैं, आज थोड़ा वीडियो डार्क होगा, रियलिटी है और कैसे लोग पैसा बर्बाद करते हैं। तो सिंपल बात है दोस्तों, ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है कि जो मार्केट का भी नॉर्मल टाइम है, यहाँ पे लिखा हो रहा है 9:15 से लेकर 3:30 तक जो कि हो रहा है, उसको एक्सटेंड करके कितने बजे तक, रात को 11:30 तक वो रात को रखने वाले हैं। रियली मतलब कितना बचकानी आप कह सकते हैं कि यार ये डिसीजन है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, अभी तो 9:15 से 3:30 तक हो रहा था, और 3:30 खत्म होने के बाद 3:30 के बाद क्या होगा दोस्तों, ये आर्टिकल में है। पहला जो स्टेज रहेगा, कब ये स्टेज लॉन्च होगा वो भी फाइनलाइज हो चुका है, बस एक एक अप्रूवल की जरूरत है, उसके बाद तो ये फाइनल है। और आप सोच लीजिए कि हो ही गया बोल के, तो ये जो 9:15 से 3:30 तक होगा दोस्तों, उसके बाद हमें 2-3 घंटे का आई थिंक ब्रेक मिलेगा, और 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक फिर से फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमें काम करने को मौका मिलेगा, यानी कि फिर से मार्केट स्टार्ट हो जाएगा नॉर्मली, जैसे 9:30 पे होता है, 9:15 पे होता है दोस्तों, बिल्कुल वही उस टाइप का ही मार्केट चलेगा, और 6 बजे से 9 बजे तक हमें ट्रेड करने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है।
अब जब ये सही होने लग जाएगा, उसके बाद क्लियरली यहां पे बोला गया है द सेकंड फेज सजेस्ट इंडेक्स FNO ट्रेडिंग एक्सटेंड टिल 11:30 PM फाइनली इन थर्ड फेज, द प्लान इज एक्सटेंड केस मार्केट ट्रेडिंग आवर्स अंटिल 5 PM। मतलब अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा, ऑब्वियस सी बात है ये तो होने वाला है, कब होने वाला है ये आर्टिकल पे लिखा गया है, तो ये प्लान जो है दोस्तों वो 6 बजे से 9 बजे तक, यानी कि 9:15 से 3:30 तक हमने किया ट्रेड, बंद हो गया, फिर 6 बजे मार्केट ओपन हुआ, फिर बैठो लैपटॉप के सामने, फिर 9 बजे तक ट्रेड करो, एंड ये थोड़ा सा सक्सेसफुल रहने के बाद 1-2 महीने के बाद सीधे 6 बजे से रात के 11:30 तक फिर से हमारा मार्केट चालू रहेगा। ये डिसीजन दोस्तों कहीं ना कहीं NSE लेके आ रहा है, और जो डेट हो ऑलमोस्ट मंथ फिक्स हो चुका है वो है दोस्तों 2026 मार्च के महीने पे दोस्तों ये स्टार्ट होने वाला है 2026, यानी कि और 5-6 महीने 7 महीने से कुछ बाकी है। अब दोस्तों इसका क्या क्या इफेक्ट रहेगा, साइड इफेक्ट में बता देता हूं। पहला है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। देखिए आप माने ना माने, मैं जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, रोज करता हूं दोस्तों, पिछले 5-6 साल से कर ही रहा हूं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों का ओवर ट्रेडिंग। उनका रियलिटी में बता देता हूं वो करते क्या है। अगर समझ लीजिए 11 बजे तक सुबह उनको 11 बजे तक अगर समझ लीजिए 4000 का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, 4000 का प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद भी दोस्तों वो देखिए हर एक आदमी के अंदर ना लालच भरा हुआ रहता है। इस बात पे अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फ्री वाले ग्रुप पे जाके जरूर जुड़िए, क्योंकि 11 बजे तक मान लेते हैं आपने प्रॉफिट किया, आपको भी इंक्लूड कर रहा हूं, आपने वो गलती क्या होगा, मैंने भी किया है वो गलती, अभी तो नहीं करता, तो ऑलरेडी 4000 का अगर प्रॉफिट किया है, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट हिल रहा है ऊपर नीचे ऊपर, अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, यार 4000 के प्रॉफिट में हम सेटिस्फाई होते हैं क्या, नहीं यार और थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, यहां पे वो 12-1 बजे ले लेते हैं ट्रेड, ठीक है। अब वो ब्रेकआउट फेक हुआ, 4000 का प्रॉफिट तो हाथ से गया, उल्टा और 2000 का उनको लॉस लग गया, मान लेते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, लॉस नहीं हुआ है कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो लोगों में आ जाता है एक एग्रेशन, एक ईगो, मेरा पैसा कैसे जा सकता है, प्रॉफिट अभी मैंने कमाया था, मार्केट मेरे से ले के जा सकता है। उसके बाद मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन ना दे, कुछ स्ट्रक्चर ना बनाए, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, ऐसे करते करते दोस्तों 4000 का प्रॉफिट से कब 8000 का लॉस में आ जाते हैं 3:30 तक, जब मार्केट खत्म होते होते पता भी नहीं चलता, राइट। तो यहां पे दिक्कत ये होगा कि आप खुद सोचिए, जो बंदा अपने ओवर ट्रेडिंग तक, ओवर ट्रेडिंग को ये नॉर्मल मार्केट जो 9:15 से 3:30 तक हो रहा है उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे भाई उनको आप बोल रहे हो कि आप रात 11:30 बजे तक बैठो, मतलब इरादा है कि भाई साहब एक दिन में ही घर द्वार सब बेच देना है, जो लोग ट्रेड करने आएंगे एक दिन में ही कैपिटल वाइप आउट करना है, यही उनका आई थिंक डिसीजन है। क्योंकि आप लोग मेरी बात पे एग्री करते हैं, जो लोग बेसिकली मिस्टेक करते हैं, आप खुद सोचो वो बंदा 3:30 तक चलो शांत बैठ गया, उसका 4000 का प्रॉफिट से हो गया 6000 का लॉस, अब वो क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है कोई भी ऐसे ही माइंड में आएगा कि यार 6000 का लॉस हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब 2-3 घंटे वेट करता हूं और बैठे रहेगा, और जैसे ही मार्केट खुलेगा ना 6 से रात के 11:30 तक ये 6000 का लॉस भी कवर कर लूंगा, और कवर करने से शांत नहीं भरता दिल, प्रॉफिट भी चाहिए, जो लॉस है उसको कवर, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, एग्जिट नहीं करना है भाई, प्रॉफिट चाहिए उससे, और वो फिर वहां से घूम के लॉस में एट द एंड में क्लोज देते हैं। तो टाइम भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद, अपना बॉडी का एनर्जी भी वेस्ट, यही होने वाला है, यानी कि समझ लीजिए 6000 का लॉस है, अब खुला दोस्तों ये रियलिटी बता रहा हूं, आप खुद सोचिए क्या होगा, और 6 बजे मार्केट खुला, फिर चालू मार्केट साइडवेज भी रहा, फिर चालू बाय सेल, तो ये 6000 का लॉस अगर भगवान ना करे उस दिन मार्केट कुछ मोमेंट दिया नहीं, तो कब दोस्तों रात के 11 बजे तक हो जाएगा 11000 का लॉस, या फिर 10000 का लॉस हो जाएगा उसको, अब अगले दिन के लिए वो वेट करेगा, यानी कि अगर ये नहीं होता 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक, तो अगले दिन उसको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलता, मार्केट अच्छे से मूव करता तो कमा लेते, लेकिन अगर पहले ही दिन पे मेरे भाई 11000 का लॉस कर दिया तो बंदा ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन में आ जाएगा, और कोई सेंस ही नहीं है, होप आप समझ पा रहे। तो ओवर ट्रेडिंग भर भर के लोग करेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि देखो जब हमारा लॉस होता है ना, तो हम सोचते हैं कि यार कब अगला दिन मार्केट खुले, कब जल्दी मेरा लॉस कवर करूंगा, तब जाके मेरा मन शांत होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड में एक इरिटेशन, एक इरिटेट सा माइंड रहता है कि कब 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 हम करें बोल के, राइट। तो जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही 6 बजे, हाँ चलो 6 बजे मैं ट्रेड करता हूं, तो क्या हालत होगा आपको अच्छे से पता है। अब साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम सेकंड में दोस्तों होगा आपको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम। देखिए खास करके आज के जो रियलिटी है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है लोग जो हैं, एक तो उनका ऑफिस काम रहेगा। देखिए ये जो 6 बजे से लेकर 11:30 तक कौन आएंगे ऑफिस,
तो जो लोग ऑफिस वाले बंदे हैं, ऑलरेडी ऑफिस में काम करते हैं, शाम को आते हैं, देन फैमिली को टाइम देते हैं, या फिर चलो यार पूरा दिन तो थका हुआ रहता है तो चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं बोल के, वो 6 बजे से बैठ जाएंगे, मतलब वहीं थका हुआ माइंडसेट में, जो बॉडी में एनर्जी नहीं है, ऑलरेडी एक एक फ्रस्ट्रेशन होता है अंदर, और उसके बाद फैमिली को टाइम नहीं देगा, ऑलरेडी जब 6 बजे वो ट्रेड करने बैठेंगे तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं लोग लॉस करके ना बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, सच में किसी के साथ बात करते नहीं है वो, मुझे बताते हैं कि सर ऑलरेडी हमें साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं, इरिटेट हम एनी टाइम रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि 6 बजे से अगर एक ऑलरेडी आप एक जोन से, आपने ऑफिस से या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोई बिजनेस लाइन में है, ऑलरेडी वो काम करके जब 6 बजे थके हारे हुए रेस्ट करने के लिए बैठेंगे और जब ट्रेड चालू होगा तो वो फोर्सफुली करेंगे, उनका मन नहीं होगा, फिर भी लाइफ में स्ट्रगल करना है, ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ना है तो वो करेंगे, और आपको पता है कि थका हुआ माइंड में ना सिंपल बात है क्या हालत होने वाला है, सही ट्रेड भी आप गलत करेंगे, गलत ट्रेड तो और भी गलत करेंगे, तो थका हुआ माइंड में दोस्तों ऑब्वियस सी बात है साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आएगा, और अगर वहां पे लॉस हो जाए, मतलब एक तो दिन में पैसा कमा के आओ एंड देन शाम में उसको उड़ा दो, तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। थर्ड में दोस्तों है ऑप्शन सेलर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। ऑप्शन सेलर को भाई बड़े मजे थे, चांदी ही चांदी थे, आराम से ही नहीं आओ और बिंदास स्ट्रेंगल स्ट्रेडल वगैरह बना के बैठ जाओ सो जाओ, लेकिन होगा क्या, उनको भाई पूरे के पूरे हमेशा उनको एक्टिव रहना पड़ेगा, मार्केट का हर एक मोमेंट में उनका हार्ट बीट बढ़ने लगेगा। मैं भी ऑप्शन सेलिंग करता हूं, अगर आप समझ लीजिए आप 100 स्ट्रेंगल बनाए, ऊपर का नीचे का कॉल सेल कर दिया, अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों 9:15 से 3 बजे तक मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा, हमें प्रॉफिट मिल गया, या फिर 9:15 से 2 बजे तक मार्केट में रहा फिर रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, हम अपना पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, जो प्रॉफिट मिला खुशी खुशी उसमें खुश रहते हैं। अब क्या होगा यार, यहाँ पे तो हम कहीं ना कहीं पोजीशन को होल्ड करके गए, अब 6 बजे क्या होगा, 6 बजे से रात 11 बजे तक हमें अलर्ट रह के बैठना पड़ेगा कि यार अब ना हो जाए, मूव आ रहे हैं क्या, थोड़ा ऊपर जाए तो हार्ट बीट बढ़ने लगेगा, ये ब्रेकआउट देने का सही ब्रेकआउट है, यहां से पुट सेल करने लग जाओ, फिर जब पता चला फेक ब्रेकआउट है नीचे आने लग जाएगा तो इसे कॉल सेल करने लग जाओ, तो ऑप्शन सेलर का तो मेरे भाई हालत खराब होने वाला है। अब चौथा नंबर है दोस्तों डिप्रेशन। अब सिंपल बात है, लोग कहने के डिप्रेस बहुत रहते हैं ट्रेडिंग लाइन में, जिनको प्रॉफिट नहीं मिलता, जिनको लॉस फेस करना पड़ता है, सब अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है जब ऑलरेडी एक आदमी थका हुआ रहेगा ना तो उसका मूड जब ऑलरेडी सेड रहता है, देखिए आप अगर खुशी से कोई भी काम को लाइफ में करेंगे देन डेफिनेटली वहां पे सक्सेस मिलेगा, चाहे आपके पास कम नॉलेज हो लेकिन उसको उस काम को अगर आप बड़े ही शिद्दत के साथ, अगर आप हैप्पीनेस के साथ उस काम को करते टाइम अगर आप एंजॉय कर रहे हो देन डेफिनेटली वहां पे सक्सेस मिलने का जो परसेंटेज है वो दोस्तों वो 99% रहता है कि वहां पे आपको सक्सेस मिल जाए। आप समझ रहे मेरी बात, मतलब जो आप काम कर रहे हो लाइफ में, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो लेकिन उस काम में अगर आप खुश हो देन डेफिनेटली दोस्तों उस फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऑलरेडी अगर समझ लीजिए एक बंदा ऑलरेडी डिप्रेस है कि यार मेरा लॉस हो गया ये वो बोल के, और क्या होता है कि जो कहानी है वो 9:15 से 3:30 के अंदर ही खत्म हो जाता है, 3:30 बजा मार्केट क्लोज हुआ धड़ सबका माइंड एक साथ स्टॉप हो जाता है, उसके बाद वो जोन से बेसिकली एक आदमी निकल जाता है राइट। अगर वो सेड भी रहा 9:15 से 3:30 तक लॉस हुआ और वो आदमी और वो सेड भी रहा ना, तो समझ लीजिए 3:30 के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिला बाहर चला गया, तो उसका मूड कहीं ना कहीं वहां से हट जाता है। प्रॉब्लम क्या होगा, अब ऑलरेडी ये सेड में उस दिन समझ लीजिए इनको 10,000 का लॉस हुआ है एक एग्जांपल लेकर आदमी को, और 6 बजे अगर ऑलरेडी मार्केट खुला और वहां पे फिर से अगर समझ लीजिए ट्रेड करने वो लग गया और उसके बाद वो थोड़ा सा हैप्पी रहा, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट मिला बट एट दी एंड में आते आते अगर 11:30 तक फिर लॉस हो जाए, दिन में अगर समझ लीजिए 3,000 का लॉस हुआ है और एट दी एंड में आते आते मान लेते हैं अगर 6,000 का लॉस, रात में सोते टाइम अगर 6,000 का लॉस में क्लोज करें, तो उसका मेंटल स्थिति क्या रहेगा आप खुद सोचिए। उसको अपने आप उस प्लेस पे रख के देखिए कि यार मैं 6,000 का फिर कुछ 7,000 का प्रॉफिट किया, लेकिन एट दी एंड में रात में सोते टाइम डिनर करने से पहले अगर मुझे 7,000 का लॉस है ना, तो वो दिल में ना चुपता रहता है हमेशा, दिमाग में ना जो आपको प्रेशर डालेगा ना, आप शांति से सो भी नहीं पाएंगे। तो ये रियलिटी है, बट आई डोंट नो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, और बातें करने के लिए तो एक घंटा भी मैं ये वीडियो पे बोल सकता हूँ, क्योंकि रियलिटी जो है दोस्तों वो कोई नहीं बोलता, क्योंकि जैसे कि कुछ रिपोर्ट आया था कि इतने ट्रेडर्स लॉस करते हैं बोल के, और ऊपर से अभी न्यू आ रहा है डिसीजन तो हो चुका है कि यार हमारा
ट्रेडिंग टाइम कहीं ना कहीं एक्सटेंड होने वाला है, तो ये इफेक्ट तो बहुत करने वाला है, खास करके जिन ऑब्वियसली बात है कि भाई अब बोलेंगे कि भाई जो ऑफिस पर्सन है वो तो अच्छे खासे ट्रेड कर पाएंगे। नहीं मेरे भाई, आपको इतना आसान लगता है रियली? आपको मार्केट इतना आसान लगता है कि आराम से आओ ऑफिस से, आराम से 6 बजे बैठ जाओ ट्रेड करने के लिए, यहाँ से पैसा कमा जाओ? भाई दिन में जो आप कमा के आओगे ना ऑफिस से, उसका 3 गुना ना यहाँ पे गवा दोगे, उसके बाद हो जाएगा आपका मूड ऑफ। मतलब ऑफिस से कमाओ और घर आके गवा दो, ऑफिस से कमाओ आओ मार्केट को दे दो, तो कोई सेंस नहीं बनता लिटरली। तो अगर आपको ये डिसीजन गलत लगा, मेरे साथ एग्री करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। अगर आप इसमें अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आपको क्या फायदा मिलेगा वो भी कमेंट करके बताइए। बट मेरे तरफ से तो ये सबसे वर्स्ट डिसीजन है आज तक का, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं और भी बढ़ जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है लाइक वॉल्यूम में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। अब देखिए जो भी आप कर, आपको कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जिनको करना है वो करेंगे, नहीं करना है वो नहीं करेंगे, कैसे बच जाओगे मेरे भाई? मैं चैलेंज देके बोल सकता हूं, जब जब मार्केट ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा इंक्लूडेड मी, मैं देखता रहता हूं, चाहे वो 3:30 बज जाए मैं छोड़ता नहीं हूं। एक एडिक्शन सा हो जाता है मार्केट से, जो लोग मेरे साथ रिलेट करें वो लोग समझ पा रहे होंगे, जो लोग लाइक ट्रेड करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सब स्ट्रेटजी चले आ रहा था, यार आज तो 3:30 बज गया आपका बंद हो गया, चलो कल गेप खुलेगा तो ऐसे सेलिंग करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, तो वो स्ट्रेटजी और नहीं चलने वाला। जिनका अल्गो ट्रेडिंग बेसिकली कुछ साल से सब डाटा वगैरह कलेक्ट करके चल रहा था, वो एल्गो ट्रेडिंग भी एल्गो वगैरह सब फेल होने वाला है। जो कुछ सेटअप अपना बना के रखे थे, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही जब चेंज हो जाएगा, ओके, तो कहीं ना कहीं जो चार्ट है, समझ लीजिए चार्ट ऐसे 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 करके आप 3:30 बंद हो गया, अब फिर 6 बजे खुला, फिर साढ़े ऐसे करके बंद हुआ, मेरे भाई क्या समझेंगे लोग? मतलब हो क्या रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस 1000 बनाना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस इतना कुछ काम देने वाला है नहीं, वॉल्यूम कब रहेगा? अब भाई जिनको 6 बजे समझ लीजिए ट्रेड करना है, वो पहले से माइंडसेट बना के बैठे हैं, मान लेते हैं दिन में ट्रेंडिंग मूव दे दिया 700-800 पॉइंट का, 6 बजे हो गया साइडेस, इनका वाट लगने वाला है। अब समझ लीजिए दिन में बेचारा कोई सोच रहा होगा कि यार मैं ट्रेड करूंगा, दिन में हो गया साइडवेज, और उसके बाद मान लेते हैं 6 बजे के बाद हो गया ट्रेंडिंग, तो दिन में जो ट्रेड नहीं कर पाए उनका मूड ऑफ होगा, वो अगर ये चांस मिस कर लेंगे तो ये भी रिग्रेट करने वाले हैं। तो ना इधर फायदा होगा ना उधर फायदा होगा, कुछ भी नहीं होने वाला लिटरली। सबसे वर्स्ट डिसीजन लगा मुझे, और ये न्यूज ऑलरेडी आई थिंक 4-5 दिन पहले आ चुका है। अगर आप डिसीजन को, अगर आप मेरे बात के साथ सहमत कर, डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, जाके फ्री वाले ग्रुप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे मैं फ्री में हेल्प करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। इस पूरे हफ्ते दोस्तों हमने बहुत अच्छा अच्छा रैली पकड़ा, 4 दिन में प्रॉफिट दिया हूँ फ्री वाले ग्रुप पे, लाइव मार्केट में वो भी। तो आप जाके फ्री वाले ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, और हम एंजॉय करते हैं ट्रेडिंग को, ओके, लेकिन उसका एक लिमिट रहता है, वो लिमिट ब्रेक हुआ लेकिन दिमाग ना फटने लग जाएगा उसके बाद। और ऊपर से आपको बताएं कि यार जितना हम टाइम लैपटॉप पे, देखिए वैसे भी दोस्तों आजकल लाइक जमाना है कि यार सोशल मीडिया का जमाना है, ये सब जमाना है, तो वैसे भी लैपटॉप पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल पे एनी टाइम हम कुछ भी अगर हमें ना भी मिले तो ऑब्वियस बात है पॉकेट से मोबाइल निकाल के बार 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 देखते रहते हैं कुछ भी, वो अब मोबाइल में से जाना फिर भी देखते हैं, तो एडिक्शन सा हो चुका है, सोशल मीडिया हो गया। तो भाई यहाँ पे मतलब एनी टाइम आपका आंख तो जरूर डैमेज होगा, ये भी आप रिग्रेट कर पाएंगे, ज्यादा लैपटॉप के साथ टाइम स्पेंड करना, देन मोबाइल देखना, ऊपर से कहीं ना कहीं इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक टाइम में आके, यार इतना सारा लोड ना दिमाग ले नहीं पाता एक साथ, तो ये प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, ये मैं वादा करके कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ। तो जब होगा तो डेफिनेटली वीडियो में अगेन रिप्ले करूंगा, और डेफिनेटली इसको मैं पोस्ट करने वाला हूं, और जाके फ्री वाले ग्रुप पे आप जुड़ जाएं। जैसे एक्सपायरी के दिन 19,677 के नीचे सेल करने को दिया था निफ्टी को, ऐसे ही 2 कैंडल क्लोज दे दिया, तो सेल करने के लिए आराम से हमने सेल किया, पैसा छापा दोस्तों 135 पॉइंट समथिंग मार्केट नीचे गिरा था। तो ये होता है एक शांति से ट्रेडिंग, ये देखिए शांति से गिरा, आराम से मस्त पैसा आप बुक करो और चले जाओ, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, अगले दिन देखेंगे। तो इतना सब होने के बाद फिर 6 बजे अगर स्टार्ट होगा तो मेरे भाई एक कितना करेगा एक इंसान? अगर ऐसे बोलोगे कि भाई जिनको करना है करेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं मेरे भाई, जिनको नहीं करना है उनको, उनके मन में भी बार बार लैपटॉप बुलाएगा, चल रहा है, थोड़ा देख लूं क्या। चाहे आप जिम जाओ, चाहे बाहर घूमने जाओ, पॉकेट से बार बार मोबाइल निकाल के आप ग्राफ देखोगे, इवन चाहे आप ट्रेड ना भी करो
तब भी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ग्राफ देखेंगे ही देखेंगे तो आपका दिमाग ना एक प्लेस पे रुका रहेगा, ना कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं खुल पाएगा, नहीं खुल पाने वाला। तो मेरे साथ एग्री करते हैं तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए। कल एक स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं ला सकता हूँ और प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिए और थोड़ा मोटिवेट करते हैं आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो। सो जेन्युइनली थैंक यू आप लोगों को, टेक केयर, बाय एंड सी यू।